दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा समन को नजरअंदाज करने का फैसला एजेंसी के लिए हैरान करने वाला था। सूत्रों ने केजरीवाल के आखिरी मिनट में समन पर पुनर्विचार की बात को खराब कानूनी सलाह बताया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई जल्द खत्म करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को नया समन जारी किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी आज ही केजरीवाल को नया समन जारी कर सकती है। हालांकि फिलहाल ये महज अटकल ही है, इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जब कोई व्यक्ति समन प्राप्त करने के बाद भी ईडी के सामने पेश होने से मना कर देता है तो सबसे पहले जाँच एजेंसी उसको इसके पीछे की वजह स्पष्ट करने को कह सकती है। वजह जायज लगने पर ईडी की ओर से कुछ समय देते हुए दूसरा समन जारी किया जा सकता है। बता दें, एक व्यक्ति अधिकतम 3 बार ईडी के समन को नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन 3 बार के बाद जांच एजेंसी उसके नाम गैर जमानती वारंट की मांग कर सकती है, जो अदालत द्वारा जारी एक आदेश होता है, जिसके तहत उस व्यक्ति को एक विशेष तारीख और समय दिया जाता है और उस दिन उस व्यक्ति को अदालत के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। लेकिन अगर गैर जमानती वारंट की भी अवहेलना की गई तो व्यक्ति को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जा सकता है। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि केजरीवाल द्वारा बताए गए कारण कि 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी के प्रचार में उनकी भागीदारी और पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने की उनकी आवश्यकता केवल उन्हें समन को जस्टिफाई करने का काम करते हैं। ईडी को लिखे अपने पत्र में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री और आपका राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते उन्हें चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती है और पार्टी के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। बात ईडी की करें तो ईडी ने केजरीवाल के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एजेंसी एक पेशेवर यूनिट है जो मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार जांच करती है, जो जांच पड़ताल में ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या करे और क्या ना करे की विस्तृत जानकारी देती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अन्य मामलों की जांचों की तरह इस मामले में भी हमारी जांच विभिन्न स्तरों पर न्यायिक जांच के अधीन है। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंसी अपनी जांच बहुत सावधानी से करती है।